अल्ट्रासोनिक्स की हेडिंग डाली। अल्ट्रासोनिक या इसको अल्ट्रासाउंड भी कह सकते मेडिकल की जुबान में, अल्ट्रा साउंड आपने सुना है ना, मेडिकल में बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करवा लो। बॉडी का जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो उसमें कोई किसी किस्म का नक्स है या फॉल्ट है तो वो सामने आ जाता है अल्ट्रासाउंड के जरिए। हमारे एक रिश्तेदार थे, लेडीज़ थी, तो हॉस्पिटलाइज में हुई, तो उनका ऑपरेशन वगैरह था, ऑपरेशन हो गया, लेकिन ऑपरेशन तो कामयाब हो गया, उसके बाद फिर तबीयत उनकी बिगड़ना शुरू हो गई। क्या हुआ? तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई, फिर डॉक्टर्स ने दवाइयाँ दी, जाहिर सी बात है ऑपरेशन किया गया था, दवाइयाँ वगैरह दी, उसके बाद फिर तबीयत नहीं संभली उनकी, तबीयत नहीं संभली, बिगड़ती चली गई, बिल्कुल पीली होती चली गई, नहीं जिस तरह तबीयत ख़राब, यानी ऐसा लग रहा था कि शायद उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। फिर आखिर में उनका फिर अल्ट्रासाउंड किया गया। क्या किया गया? अल्ट्रासाउंड में ये पता चला कि जब पहली दफ़ा ऑपरेशन किया था तो जो तौलिया होता है ना, तौलिया या वो कपड़ा सफाई करने वाला, वो पेट के अंदर ही रह गया था। नहीं समझे बात हो, गलती से बाय मिस्टेक हो गया था ऐसा कि वो उसका जो कुछ काटन का हिस्सा था वो बजाय उसको निकालने के वो हिस्सा उसी में रह गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सारी गड़बड़ शुरू हो गई थी। नहीं समझे बात को, फिर अगेन उनको ऑपरेशन करके उसको निकाला गया इस डेट के लिए। तो फिर एक केस बन गया था, फिर एक सिलसिला चला। खैर वो मैं उस तरफ तो नहीं आ रहा, मेरा कहने का मकसद ये था कि आप अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, एक है ये एग्जामिन है, अल्ट्रासाउंड एग्जामिन है, इस डिवाइस के ज़रिए बॉडी पार्ट्स में किसी किस्म का कोई फॉल्ट है तो उसको आप मालूम कर सकते हैं, डेट क्लियर। तो ये याद रखिएगा, आप अल्ट्रासोनिक कहते हैं किसे, इस पर भी हम क्लास ले चुके हैं। आपको याद है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, इंसानी कान जो है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की आवाज़ों को सुन सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या थी याद कीजिए ज़रूर, ऑडिबल या वो थी 20 हर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़ से लेके कहाँ तक थी बोलिए, 20,000 हर्ट्ज़, क्या हो गया यार, 20 हर्ट्ज़ से लेकर कहाँ तक थी, कम से कम इंसानी कान 20 हर्ट्ज़ की आवाज़ को सुन सकता है, ज़्यादा पर 20,000 हर्ट्ज़ की आवाज़ को सुन सकता है, इससे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें होती हैं उस पर इंसानी कान सेंसिटिव नहीं होते, वो नहीं सुन सकते। बहरहाल वो चीज़ें जिनकी वो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो उसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक्स। क्या कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक्स में क्या होता है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से अबव फ्रीक्वेंसी होती है वेव्स की, तो उन्हें फिर अल्ट्रासोनिक का नाम दिया गया। डेफिनेशन भी लिखवाई थी आपको, दोबारा लिखो, लेकिन द वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी Having frequency above audible frequency range, कितनी 20,000 हर्ट्ज़, called ultrasonics, उनको ultrasonics कहते हैं। तो ऐसी आवाज़ें भी होती हैं भाई कि जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे कान उस पर सेंसिटिव नहीं है, लेकिन होती है। अब इनका फ़ायदा क्या है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, आप ऐसी आवाज़ों के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें एग्जामिन कर सकते हैं, इनका यूज़ क्या है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, मैं वो डिस्कस आपसे करना चाहता हूँ। इनका जो यूज़ है, जो इस्तेमाल है, एक्चुअली हमें वो डिस्कस करना है कि इसका यूजेज क्या है, यूजेज अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल क्या है। अच्छा, ये प्रोड्यूस कैसे होती है उसको भी सुन लो। जो आपने क्वार्ट्स, एक मटेरियल है क्वार्ट्स क्रिस्टल, कौन सा, घड़ियों के अंदर आपने देखा होगा वो क्वार्ट्स लगे होती हैं, जो प्लेटें लगी होती हैं ना वॉच के अंदर, क्वार्ट्स मटेरियल की होती है, वो चमकदार सा एक मटेरियल होता है क्वार्ट्स। जब उसको इलेक्ट्रिकली ऑसिलेट किया जाता है बरकी तौर पर, उसको वाइब्रेट किया जाता है, तब अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इसकी इसमें लिख सकते हैं वैन क्वार्ट्स क्रिस्टल, क्वार्ट्स क्रिस्टल एक मटेरियल है, इज ऑसिलेट, इज मेड टू ऑसिलेट,
is made to oscillate electrically ultrasonics are produced. यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है। आप अंदाज़ा कर लें कि जब किसी क्वार्ट्ज क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली आप वाइब्रेट कराएंगे तब ये वेव्स क्रिएट हो जाएंगी और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत ज़बरदस्त होगी, मोर देन 20,000 हर्ट्ज़ होगी। बाज़ औक़ात तो इनकी फ्रीक्वेंसी 10^9 हर्ट्ज़ तक पहुँच जाती है। कहाँ तक? 10^9 का मतलब क्या है? 1 के साथ 90 लगा दीजिए, इतनी फ्रीक्वेंसी बन जाती है इनकी। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं बारह। और याद रहे कि साउंड वेव्स हैं। क्या है ये? ये साउंड वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है। अच्छा, अब इनका इस्तेमाल क्या है उसको समझना। दे आर यूज टू फाइंड डेप्थ ऑफ सी फ्लोर यूजेज। कहाँ इस्तेमाल होती है इसका जो यूजेज है इस्तेमाल? Used to determine the depth of sea floor. इसका नाम है डिवाइस का इको डेप्थ साउंडिंग डिवाइस। इको डेप्थ साउंडिंग डिवाइस। इको जहन में रखिएगा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मैंने तफसील से बात की, न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम भी उसका किया था। इको में याद है ना क्या होता है, साउंड क्रिएट करते हैं, वो साउंड किसी सरफेस से, ऑब्स्टिकल सरफेस से टकरा कर वापस पलटती है, मर्ज हो जाती है और उसके नतीजे में इको आपको सुनाई देता है, गूंज सुनाई देता है। तो यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ सी फ्लोर। आप जानते हैं समंदर की गहराई कितनी है? समंदर की गहराई इतनी ज़्यादा है। अब हम चाहते हैं ना कि हमारा जो समंदर है वो कितना गहरा है, उसकी गहराई मालूम करें। मैक्सिमम क्या है किसी भी मौके पर, तो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि डुबकी लगाएं उसमें और साथ में फीता ले लें और जाते रहें नीचे, जाते रहें, हज़ारों फीट है तो कितना मुश्किल हो जाएगा, जाने वाला अंदर ही चला जाएगा, फिर वापस नहीं आ पाएगा, वो अंदर ही चला जाएगा। नहीं समझे बात को? तो गए थे सी लेवल की डेप्थ मालूम करने के लिए, वो खुद किसी डेप्थ में चले गए, उसी में गुम हो गए। लिहाजा साइंस ने बात बड़ी आसान कर दी, अब तो खैर डिवाइसेस आ गई हैं। इसको कहते हैं इको डेप्थ साउंडिंग डिवाइस कि किसी भी गहरी चीज़ के अंदर साउंड इको प्रोड्यूस किया जाता है, उसके ज़रिए उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी गहराई कितनी है वो पता चल जाती है। नहीं समझे बात? यानी मिसाल के तौर पर आपका जो सी फ्लोर है, ये सी सरफेस है, समंदर की सतह है, सी सरफेस से पानी ऊपर नज़र आ रहा है और ये इसकी गहराई है, ये डेप्थ, इसको कहते हैं डेप्थ फ्लोर या सी फ्लोर कहलाता है। ये समंदर का जो निचला हिस्सा होता है ना, सबसे निचली लेयर जहाँ मिट्टी आ जाएगी। अब इसके नीचे तो पानी नहीं है। अब आप मालूम करना चाहते हैं कि गहराई कितनी है, तो उसके लिए इको डेप्थ साउंडिंग डिवाइस प्रोड्यूस करेंगे जो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करेंगी। क्या करेंगी? अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करेंगी, वो वेव अंदर जाएंगी, अंदर जाने के बाद क्या होगा, टकरा कर वापस आएंगी। जाने में फासला डी तय होगा, वापस आने में फासला डी तय होगा, टोटल फासला कितना हो गया, 2D हो गया। तो याद करें इको के अंदर हमें इक्वेशन पढ़ी थी वेलोसिटी इनटू टाइम वाली, 2D बराबर होता है किसके, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हमें मालूम होगी, टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पुट करने के बाद क्या निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, या डिस्टेंस डी निकाल लेंगे। जो डिस्टेंस होगा वही असल में सी फ्लोर की डेप्थ होगी। नहीं समझे बात? तो आपने देखा इको डेप्थ साउंडिंग डिवाइस के जरिए आपने क्या किया, इको प्रोड्यूस किया अल्ट्रासोनिक में, अल्ट्रासोनिक वेव्स के में, और उसके नतीजे में गहराई पता कर ली। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है अल्ट्रासोनिक, इसके ज़रिए आप सी फ्लोर की डेप्थ पता कर सकते हैं। इज डेट क्लियर? यहाँ तक के अगर कोई दुश्मन का जहाज़ जा रहा है तो उसको भी उसकी पोजीशन कहाँ है, कितना दूर है, वो भी आप इको डेप्थ डिवाइस के ज़रिए कैलकुलेट रडार से भी कर सकते हैं। किसके ज़रिए? आपने देखा होगा रडार का नाम सुना होगा। रडार में क्या होता है कि अगर कोई दुश्मन का हवाई जहाज़ है या जो सतह ज़मीन पर नज़र आने वाली चीज़ें हैं या आसमान पर नज़र आने वाली चीज़ें हैं, रडार उनको डिटेक्ट कर लेता है
लेकिन जो रडार की वेव्स होती हैं वो पानी के अंदर नहीं जा सकते, समंदर की गहराई में नहीं जा सकती रडार से निकलने वाली वेव्स। लिहाजा वहाँ क्या चीज़ काम करेगी, वहाँ इको डेप्थ साउंडिंग डिवाइस अल्ट्रासोनिक वेव्स काम करेगी। उसकी वजह मैं बताऊँ क्या है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हायर होती है, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होती है वेवलेंथ उतना कम हो जाता है। यानी वेवलेंथ किसे कहते हैं, इस हिस्से को एक्यूरेसी एक ट्रिप का फासला क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। अब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ वेवलेंथ पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन वन सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतना छोटा हो जाएगा। अब चूंकि अल्ट्रासोनिक का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है तो समंदर को चीर के आसानी से अंदर जा सकता है, लेकिन राडार का जो वेवलेंथ होता है निकलने वाली वेव का बहुत बड़ा होता है, वो समंदर की गहराई में नहीं जा पाता। इसलिए राडार के जरिए आप डेप्थ पता नहीं कर सकते, हाँ इसके जरिए अल्ट्रासोनिक वेव के जरिए पता कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी हवाले से था, इसको सोनार कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनार। अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट नंबर टू। ये तो पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट SONAR, इसे कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इज यूज टू लोकेट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इज यूज टू लोकेट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय इको। यानी इको के जरिए, ये वही बात है जो अभी हमने डिस्कस की है, इको के जरिए जो आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन मालूम कर सकते हैं इको प्रोड्यूस करके अल्ट्रासोनिक में, तो ये प्रोड्यूस की जा सकती है। अच्छा, यही असूल ब्लाइंड्स के लिए भी, अंधों के लिए भी। अगर कोई ब्लाइंड्स है इसके पास आंखें नहीं है, अल्ट्रासोनिक ने उसको आंखें दे दी, अल्ट्रासोनिक वेव ने क्या दे दी उसको, अब वो देख नहीं सकता, ज़ाहिर है नज़र नहीं आ रहा उसको, उसको नहीं पता आगे क्या चीज़ है, आगे रास्ता है, आगे रोड सही है या नहीं है, क्या कोई नाला आ रहा है या कोई पुल आ रहा है। तो उसके पास ये डिवाइस होगी, अल्ट्रासोनिक डिटेक्टिंग डिवाइस मौजूद होगी जिससे वेव्स निकलेंगी, वेव्स टकराकर इकोसिस्टम पर वापस आएंगी, उससे पता चल जाएगा उसे के सामने कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं। यानी उसके साथ पूरा एक सिस्टम लगा हुआ होगा, वो देख नहीं सकता लेकिन वो सुन तो सकता है, नहीं समझे बात को, तो एक सिस्टम है उसके ज़रिए सुन के जो है वो अंदाज़ा लगा सकता है कि सामने जो है वो रास्ता है क्लियर या नहीं है। तो ब्लाइंड्स के लिए ये आँखों का भी काम करता है, याद रखिएगा, कौन, ये अल्ट्रासोनिक। तो दूसरा पॉइंट यूज़ करें, सेम प्रिंसिपल, यही वाला सुन, सेम प्रिंसिपल इज यूज कैन बी यूज टू मेक इज यूज टू मेक अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक गाइडेंस। इसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक गाइडेंस डिवाइस फॉर ब्लाइंड टू सी, लिख लें फॉर ब्लाइंड टू सी। यानी ब्लाइंड जो है उसके जरिए देख सकते हैं इको के जरिए। इसको डॉपलर इफेक्ट भी कहते हैं, फर्स्ट ईयर में आप आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, वो मैं अभी यहाँ नहीं छेड़ना चाहता उस बात को, जब फर्स्ट ईयर में आएगा फिर पढ़िएगा। तो देखें यहाँ पर क्या हुआ, गाइडेंस डिवाइस फॉर ब्लाइंड टू सी। आपको पता है एक फिश है जो कि अंधी है, समंदर में एक मछली ऐसी है जो अंधी है, देख नहीं सकती, तो शिकार का पता कैसे चलता है, तो उसका शिकार कहाँ पर है उसका पता कैसे चलेगा उसे, जस्ट अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक्स के ज़रिए पता चलेगा। यानी वो क्या करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स क्रिएट करती है, वो अल्ट्रासोनिक वेव जाके चारों तरफ फैल जाती है, अगर उसका शिकार होगा जिस डायरेक्शन में उससे टकरा कर वापस पलटती है, नहीं समझी बात, वहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव उसने प्रोड्यूस की, आवाज़ पैदा की, वो जाके टकराएगी, फर्ज कर ले सामने शिकार है, देख तो सकती नहीं है, वो टकरा कर वापस पलटेगी इको, इसको क्या कहते हैं,
ईको कहते हैं, वो अपनी उस ईको को सुनेगी, उससे पता चल जाएगा कि सामने शिकार मौजूद है या नहीं। अगर उसको ईको सुनाई नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है, ये शिकार यहाँ पर कहीं भी मौजूद नहीं है। फिर वहाँ से ट्रेवल करके किसी और एरिया में जाएगी ताकि अपना शिकार तलाश कर सके, समझ रही बात। तो यहाँ पे भी क्या पैदा हो रहा है, वो ब्लाइंड है, लेकिन बगैर देखे वो अपने शिकार को देख सकती है, देख नहीं सकती, सुन सकती है कि शिकार है या नहीं। अब अंदाज़ा कर लें क्या बात हो रही है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल अल्ट्रासोनिक, देख कितना ज़बरदस्त इस्तेमाल है। एक और यूज़ है, इस्तेमालात पर बात कर रहे हैं आज हम लोग ना, तो नेक्स्ट इसका यूज़ इस तरह से है कि लिक्विड के अंदर जो बैक्टीरिया है या मेटल्स के अंदर क्रैक आ गए, कोई धातु आप मेटल लेकर आए उसके अंदर क्रैक था। अब क्रैक क्या होता है, एक फॉल्ट होता है। अब उस फॉल्ट, मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, बल्कि आज भी जो स्लेब की छतें डलती हैं तो क्या लगाया जाता है, गार्डर लगाया जाता है, नीचे लोहे का वो गार्डर होता है, उसके ऊपर क्या रखते हैं, स्लेबें सेट की जाती हैं। अब अगर गार्डर में क्रैक हुआ तो क्या वो उस वजन को संभाल पाएगा, एक वक्त आएगा कि टूट के गार्डर नीचे गिर जाएगा, नहीं समझे बात को। तो इसके ज़रिए, अल्ट्रासोनिक के ज़रिए मेटल रॉड के अंदर कहीं कोई क्रैक तो नहीं है, कोई फाइल तो नहीं है, वो चेक किया जाता है। टू यूज, टू इट इज़ यूज क्रैक्स इन मेटल्स, जो धातु है उसके अंदर कोई क्रैक तो नहीं है, वो देखने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये किससे बाल आ गए, ठीक है भाई। फिर बैक्टीरिया किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेहत के लिए नुकसानदेह है, इन लिक्विड। हमारे एक वाटर प्लांट लगाया किसी ने, आर ओ प्लांट, हमारे मोहल्ले में कोने पे आर ओ प्लांट लगाया गया, पानी साफ करने वाली मशीन जो होती है, आजकल ये कारोबार चल रहा है बहुत। तो उन्होंने अल्ट्रासोनिक लगाया एक सिस्टम, यानी पानी के अंदर जो वाटर वो फिल्टर कर रहे हैं उसमें कोई बैक्टीरिया है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, बायो में आपने पढ़ा होगा, ऐसे एनिमल्स होते हैं इनको आप देख नहीं सकते, जो डेंजरस है हेल्थ के लिए, आपकी बैक्टीरिया हेल्थ के लिए डेंजरस है, अगर आपने वो पानी पी लिया बॉडी में चले गए तो बॉडी को वो डैमेज कर सकते हैं, इज दैट क्लियर। तो उसको वो वॉश इस तरह से कर रहे हैं, पानी की जो इंप्योरिटीज़ है वो तो साफ़ करते ही करते हैं, लेकिन साथ में अब ये जो बैक्टीरियाज हैं इनको किल करने के लिए उन्होंने अल्ट्रासोनिक सिस्टम इस्तेमाल किया है। अल्ट्रासोनिक वेव उससे पास कराते, उनका काम क्या होता है, क्योंकि मच हाई फ्रीक्वेंसी की वेव है, ये बैक्टीरिया वगैरह सबको धो डालती है, यानी ख़त्म कर देती है ताकि उसका असर ख़त्म हो जाए। तो देखा आपने मेडिसिन में किस तरह बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं, किसे, अल्ट्रासोनिक को, तो ये वहाँ पर काम आ रही है। अल्ट्रासाउंड आजकल बहुत, जिस पर हमने बात शुरू की थी, अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल किया जाता है, यूज टू एग्जामिन सॉफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी, यानी इंसानी जिस्म के जो सॉफ्ट पार्ट है, नरम पार्ट है, उनको एग्जामिन करने के लिए कि उनमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक और इस्तेमाल आ गया, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू एग्जामिन का मतलब होता है चेक करना, टू एग्जामिन द सॉफ्ट फ्लैशी बॉडी पार्ट्स, जिसम के वो हिस्से जो बिल्कुल नरम और नाजुक होते हैं उनमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक्सरेज भी तो इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है एक्सरेज मशीन भी होती है हॉस्पिटल्स के अंदर, एक्सरेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, मच हायर फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वो बेस्ट होती हैं हड्डियों में, ब्रोकन, अगर कोई क्रैक हो गया, ब्रोकन कोई बोन है, हड्डी टूट गई एक्सीडेंट की वजह से, तो उसमें क्रैक कहाँ पर है, कितना है, उसको चेक करने के लिए किसे इस्तेमाल करते हैं, एक्सरेज को, एक्सरेज इस्तेमाल की जाती है, तो वहाँ एक्सरेज बेस्ट है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल सॉफ्ट पार्ट है, मिसाल के तौर पर जिगर हो गया, दिल हो गया, ये तो बड़े सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं ना, तो इनको एग्जामिन करने के लिए किसे इस्तेमाल किया जाता है, अल्ट्रासोनिक को इस्तेमाल किया जाता है, अल्ट्रासाउंड को, क्योंकि ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, और एक्सरेज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, उसके ज़रिए सख्त चीज़ें जो जैसे हड्डियाँ हो गई उनमें कोई क्रैक है उसको चेक करने के लिए एक्सरेज इस्तेमाल की जाती है, पॉइंट ध्यान रखिए। ओके, तो एक्सरेज भी इस्तेमाल होती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड इज़ बेस्ट फॉर सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट्स।
उसके बाद आखिरी आखिरी निकला लास्ट पॉइंट वो है क्लीनिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है, इज आल्सो यूज अल्ट्रासाउंड इज आल्सो यूज फॉर क्लीनिंग फॉर क्लीनिंग द डेलिकेट और द डेलिकेट नर्व नाजुक डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स उनको सफाई उनकी सफाई करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा टेलीविजन धूल मट्टी साफ करने के लिए वूफर इस्तेमाल करते हैं ना, वूफर आता है तो तेज़ हवा निकलती है उसके ज़रिए सारी मट्टी झड़ जाती साफ़ हो जाती है। तो खैर वो तो बहुत ज़्यादा मट्टी अगर लगी हो उस सूरत में, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो बड़े डेलिकेट होते हैं, जैसा सोना हो गया, सोना मेटल हो गया, डायमंड मेटल हो गया, इनके ऊपर मट्टी के ज़रात आ गए, तो इनको साफ़ करने के लिए किसे इस्तेमाल करते हैं? अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करते हैं। इसके ज़रिए जो है इस तरह की बॉडीज़ को साफ़ करने के लिए जो है अल्ट्रासाउंड इज़ द बेस्ट क्लीनर, क्लीनर के तौर पर ये काम करता है। इज़ दैट क्लियर? तो आपने देखा कि अल्ट्रासाउंड किस किस तरह से यूज़ होता है, और आजकल तो ज़माना ही समझ लें अल्ट्रासाउंड का, जो रोबोट्स बन रहे हैं वो अल्ट्रासाउंड के बेस पर बन रहे हैं, उनमें अल्ट्रासाउंडिक डिवाइसेस लगाई गई है। इज़ दैट क्लियर? क्योंकि जाहिर सी बात है रोबोट्स देख नहीं सकता, उसको आँखें अल्ट्रासोनिक दे रहा है, सुन नहीं सकता उसको कान अल्ट्रासोनिक दे रहा है, सही समझे बात को, यानी उसका ब्रेन पूरा अल्ट्रासोनिक वे में तैयार कर दिया गया, यूँ समझ लें। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हम उस तरफ नहीं जा रहे। तो इसके साथ ही जो चैप्टर 12 है आपका फिजिक्स का ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। डेट क्लियर? किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। और एक बात मैंने आपसे कही है, बार बार कहता हूँ कि जब आप कोई टॉपिक समझते हैं तो टॉपिक हमेशा पहली दफ़ा में समझ में नहीं आता, कोई बोले मैंने समझ लिया 100% तो वो झूठ बोला है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता। आप समझते हैं 70% समझ लेता है, कोई 80% समझ लेता है, लेकिन जब आप उसको दोबारा घर पे आके रीड करते हैं फिर अपने बिल्कुल खुले माइंड के साथ जब दोबारा पढ़ते हैं तो फिर कुछ और बातें आपके जहन में प्रोड्यूस होती हैं, फिर आप मज़ीद देखते हैं कुछ और समझते हैं। तो जब आप 3-4-5 दफ़ा उसको बार बार रीड करते हैं पूरी गहराई के साथ आमद के साथ, तब जाके वो टॉपिक आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो उसको अगर आप एब्जॉर्ब करवाना चाहते हैं कि बिल्कुल जज्ब हो जाए आप में, समझ में आ जाए कि किस, तो इसको कम से कम 4-5 दफ़ा घर पे जाके तन्हाई में ज़रूर स्टडी करें। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।